सलाम साहब, सलाम। पिछली बार जो कोकिन दिया था उसका पेमेंट अभी तक नहीं आया। एकदम रेडी है साहब, लीजिए सर। अरे वाह शेट्टी, लगता है इस इलाके में तेरा धंधा खूब जोरों से चल रहा है। जब पुलिस वाले अपने साथ रहेंगे साहब तो अपना धंधा काय को जोर पर नहीं चलेगा। ये स्पेशल वाला ब्रेड है ना? एकदम स्पेशल वाला ब्रेड है, और एक एक ब्रेड की कीमत 5,000-5,000 रुपए है। 5,000-5,000 रुपए। बहुत खूब, चल जल्दी से एक अच्छी चाय पिला। ओके सर। एक आपा साहब को चाय पिला। जी साहब। कुछ नहीं कहूंगा, आजा, बाहर आजा, ले ये रुपए ले ले और वो पैकेट मुझे दे दे। आजा बेटे आजा, इस पैसे के बदले में बहुत सारे ब्रेड खरीदना और फिर पेट भर के खाना। आजा 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 आजा। पुलिस वाले के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो जनता में हमारी क्या इज्जत रहेगी? सर, ये पुलिस वाला हमारे माथे पर एक कलंक है, हमारे डिपार्टमेंट के सीने पर उतरा एक जहरीला खंजर है, इसने एक मासूम बच्चे की हत्या की है। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा है। अगर यही बात है तो चलिए मेरे साथ जहां बच्चे की लाश पड़ी है, आइए। वो बच्चा चोर था, वो उस कैंटीन से 2,000 रुपए चुरा के भागा था। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप उस कैंटीन के मालिक से पूछ लीजिए। हाँ साहब, वो छोकरा मेरे गल्ले से 2,000 रुपए लेकर भागा साहब। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से उस बच्चे को ऊपर से नीचे फेंकते हुए देखा है। सर भला मैं उस मासूम बच्चे को ऊपर से नीचे क्यों फेंकूंगा? इसीलिए कि उस बच्चे ने ब्रेड में छुपा हुआ कोकीन का पैक देख लिया था। कौन सा कोकीन, कौन सा पैकेट? वही जो तुम इसके साथ मिलकर धंधा करते हो।
अगर यही बात है इंस्पेक्टर सूरज, तो मैं अभी और इसी वक्त इसे सस्पेंड कर दूंगा। सर, ये मेरी वर्दी पर कीचड़ उछाल रहा है। अगर ऐसा ही है तो इससे कहिए कि उस ब्रेड में से ये कोकीन निकाल के दिखाए, और अगर कोकीन निकल आता है तो मैं ये नौकरी और वर्दी क्या ये शहर ही छोड़ दूंगा। यही बात है ना, आइए मेरे साथ। आइए सर। देखिए सर, इनफ इज इनफ सूरज। एक पुलिस वाला होकर एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में मैं तुम्हें चार्जशीट करता हूं। मैं इस नौकरी से रिजाइन करता हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहां सच्चाई की आंखों में झूठ के कांटे बिखेर दिए जाते हैं। रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, बेईमानी के धंधे में दबकर कानून, वर्दी, फर्ज सबके सब बेजान मूर्ति की तरह पड़े हैं। सूरज, आपके कानून को मेरा आखिरी सलाम। ये मर गया बेचारा। अरे इसके क्रियाकर्म का बंदोबस्त करो, ये तो बेचारा लावारिस है। नहीं, ये लावारिस नहीं है, इसका वारिस मैं हूं।